एलेक्सा टर्न ऑन हॉटस्टार। ओके सो गाइस, अगर आप भी एलेक्सा को सेटअप करना चाहते हो अपने एंड्रॉयड टीवी के लिए कुछ इस तरीके से, ताकि आपका ऐप ओपन हो जाए, वॉल्यूम कंट्रोल हो जाए, तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हो ट्रू अपडेट। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और यहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा एप्रिटो सोनरस। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना अपनी टीवी पे, ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे लॉगिन विथ अमेजोन, तो अमेजोन के अकाउंट से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम सेट कर सकते हो, कुछ भी दे देना। मी टीवी मैंने सेट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आप एलेक्सा के थ्रू ओपन करना चाहते हो अपने टीवी पे, उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशन को ऐड कर लिया है, आप सारे एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टीवी पे काम है ख़त्म हो चुका है। अब आ जाना है फ़ोन की स्क्रीन पे और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च करना है एलेक्सा एप्लीकेशन को और इसे इंस्टॉल कर लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा गाइज, एलेक्सा एप्लीकेशन का सपोर्ट बहुत ही लिमिटेड डिवाइस में अभी देखने को मिलता है, तो आप अपने डिवाइस का कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा कि मेरे डिवाइस में एलेक्सा का सपोर्ट है भी या नहीं। तो यहाँ पे हमने एलेक्सा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन इन करना होता है, तो हमने जिस अकाउंट से अपने टीवी पे साइन इन किया था उसी अकाउंट से यहाँ पे भी साइन इन कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे छोटी छोटी परमिशन लेता है, इसको आपको देते जाना है। तो ये सारी चीज़ें सेटअप कर लेना है आपको सिंपली। वॉइस ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एलेक्सा 4 से 5 बार बोलते हो तो यहाँ पे सेटअप हो जाता है, मीन्स आपके वॉइस को पहचान लेती है एलेक्सा। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम बोलते हो एलेक्सा तो ये एक्टिवेट हो जाती है। हैंड्स फ्री इनेबल करना चाहते हो या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं सेटअप करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने सेटअप फाइनल कर लिया है। सेटअप हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलता है मोर का, सबसे लास्ट में इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें ऑप्शन मिलता है स्किल एंड गेम्स का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर एक सर्च बार देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है और सर्च करना है एब्रिटो सोनरस, जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था अपने टीवी पे। तो देख सकते हो ये मिल जाएगा आपको इजीली, यहाँ पे इस पर टैप करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हो मेरा पहले से इनेबल है, तो मैं आपको डिसेबल कर देता हूँ, फिर इनेबल करना किस तरीके से करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिसेबल कर दिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हो इनेबल टू यूज, इस पर आपको क्लिक करते हो तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाता है और यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोलता है। तो आपको सेम उसी अकाउंट से लॉग इन कर लेना है जिस अकाउंट से हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं टीवी पे फ़ोन पे। तो देख सकते हो यहाँ पे हम साइन इन इसे कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके साइन इन करते हो ये सक्सेसफुली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्कवर डिवाइस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे अराउंड आपको 45 सेकंड लग जाते हैं डिवाइस को डिस्कवर करने में। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका हॉटस्पॉट कनेक्टेड होना चाहिए आपकी टीवी से, तभी तो वो कैसे फाइंड कर पाएगा, या सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसने मी टीवी को फाउंड कर लिया, क्योंकि हमने नेम भी मी टीवी के नाम से ही सेट किया हुआ था। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप व्यू करके देख भी सकते हो कि आपने कितने भी एप्लीकेशन ऐड किए हैं, सारी चीज़ें आप दिख जाएगी। मेरे पुराना वाला भी कुछ दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हॉटस्पॉट जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हॉटस्पॉट आपका जरूर कनेक्ट होना चाहिए आपकी डिवाइस से या सेम वाईफाई से, ताकि तभी ये आपको डिवाइस को फाउंड कर पाएगा, वरना डिवाइस ही फाउंड नहीं हो पाता बहुत बार, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो अब सुन लेते हैं वो ऑडियो जो मैंने रियल टाइम में रिकॉर्ड किया है। एलेक्सा टर्न ऑन यूट्यूब। ओके एलेक्सा टर्न ऑफ यूट्यूब। ओके एलेक्सा टर्न ऑन हॉटस्टार। ओके एलेक्सा टर्न ऑफ हॉटस्टार। ओके
सो डेट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को शूट एडिट करने में। और इस चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।